हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस डूइंग। एंड अपने अंदाज में कहूँ तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़कम। मैं हूँ रिचा, डिवाइन विजन आर्टिस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, माय स्वीटी प्रेशियस पाइस, माय शुगर पाइस, माय बेबी पाइस। हाउ आर यू गाइस? ओके, दैट राइम्स। ऑलराइट, सो ऑन अ सीरियस नोट, आज जो वीडियो मैं करने जा रही हूँ वो एक क्विक कलेक्टिव वीडियो है, यानी कि एक कलेक्टिव रीडिंग है। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कलेक्टिव रीडिंग, तो जी मैं लेकर आ गई हूँ कलेक्टिव रीडिंग आप सबके लिए। चलिए शुरू करते हैं। सो आज का जो वीडियो है वो है हाउ डज दिस पर्सन सी यू, उनकी नज़रों में आप एक कैसे हो, मतलब किस नज़रे से वो आपको देखते हैं, तो वो वीडियो मैं करने जा रही हूँ आज। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले। ओके, चलिए। और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ देखिएगा, क्योंकि वो आपको फिर आप रेजोनेट कर पाओगे, ठीक है? और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ताकि आप मेरे लाइव स्ट्रीम्स को और मेरे कोट्स जो मैं लिखती रहती हूँ उनको, जो मोटिवेशन भी होते हैं, कई बार कुछ लाइफ हैक्स होते हैं उसमें, और जो भी अपडेट्स मैं पोस्ट करती हूँ उनको मिस आउट ना कर जाए, इसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए, क्योंकि मैं सिर्फ फैमिली कहती नहीं हूँ, कहने के लिए मैं निभाती भी हूँ, ठीक है? सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रीडिंग। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप हैं तो ये चैनल है, आप हैं तो हम हैं, थैंक यू सो मच। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे चलिए इन अ रो। Alright. Okay. So let's get started. Om Namah Shivaya. 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 तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, देखते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स के पर्सन हैं वो किस नज़रिए से उनको देखते हैं, मेरे जो व्यूअर्स के पर्सन हैं हाउ डस वो पर्सन किस नज़रिए से देखते हैं उनको, मेरे जो व्यूअर्स के पर्सन हैं वो किस नज़रिए से देखते हैं उनको। सो एक कार्ड गिर गया है नीचे। या सो लेट्स सी। ओके, जो कार्ड नीचे गिरा था बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे मैंने कहा, एक क्विक टू द पॉइंट रीडिंग होने वाली है। मुझे इस तरह की रीडिंग्स ना मैं करती हूँ ना मैं देखना पसंद करती हूँ, जो आखिरी के 5 मिनट में बताया जाता है, बाकी टाइम पे सिर्फ ब्लैबरिंग करी जाती है, मैं ऐसी रीडिंग्स नहीं करती। सो आपका वक्त भी कीमती है, हमारा भी कीमती है, मेरे प्यारे व्यूअर्स को क्यों उनका टाइम वेस्ट किया जाए, अभी आप सबका है ना, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, ऑल राइट। So the first card I'm going to tell you is this, how does this person see you? I have the gratitude card, gratitude. Okay? I have the gratitude card and then we have soulmate. Okay? Then release. Okay? And then the card is instinct, perfection. लो जी, perfection card आ गया है आपके लिए। ओके, trickery, passion, grief. ओके, तो ब्रीफ कार्ड से हम पिकिंग अप कि आप लोग का जो कनेक्शन में सेपरेशन चल रहा है कुछ लोगों का, और कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, और ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, ये मैसेज भी मुझे आ रहा है। एंड आई एम गेटिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को खो दिया है, और मतलब आपको एक लॉस सा फील हो रहा है। कुछ लोगों को ये तक उम्मीद खो चुकी है कि ये कनेक्शन कभी रिवाइव होगा, ठीक है व्यूअर्स? सो ये पर्सन को, अगर आप टैरो रीडर हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में हैं,
सो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रही थी, इस पर अगर आप टैरो रीडर हैं या स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में हैं, इस पर्सन को वो आपका काम देखते हैं, उनको पता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, और तो उनको जो है आपकी ये काम का अंदाज़ आपका, हो सकता है कुछ लोग यूट्यूबर्स भी हों तो आपके दो कहीं कोई दो प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है। अब अगर ब्लॉग्ड है उसके बावजूद किसी भी तरह से वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, एक चैनल मैसेज आ रहा है मुझे, तो ये पर्सन भी इंट्यूटिव है, ठीक है, और ये पर्सन की इंट्यूशन भी काफ़ी शार्प है, ठीक है, और ये इंट्यूटिवली आपकी एनर्जीज पिकअप कर पाते हैं, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। ओके, ये पर्सन को लगता है आप काफ़ी शरारती हो, ठीक है, थोड़ी शैतानी करते हो, शरारतें करते हो, थोड़ा गुस्सा भी आपको आता है, कुछ लोगों को यहाँ पे गुस्सा आता है, ठीक है। तो अच्छा, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि वो आपके गुस्से से डरते हैं, ठीक है, तो अब आप कुछ लोग यहाँ पता नहीं आप रेजोनेट कर पाओ ना कर पाओ, मुझे बताना जो लोग रेजोनेट कर रहे हैं इस चीज़ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एज गैप यहाँ पे, कुछ लोगों के बीच में एज गैप या कल्चरल गैप है, ठीक है, और ये पर्सन आपको, या तो आप इस पर्सन को या ये पर्सन आपको एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, समझते हैं, ठीक है, और एक नर्चरिंग एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है, जबकि ट्रिकरी कार्ड है, तो उसके बावजूद मुझे ये भी पिकअप हो रहा है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से ये कनेक्शन खराब हुआ है, ठीक है, या कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, फ्रेंड्स, सोसाइटी, फैमिली, कुछ तो ऐसा, या थर्ड पार्टी, कुछ केसेस में, अगर आपके केस में थर्ड पार्टी है तो ठीक है, नहीं है तो इग्नोर कर लीजिए इस पार्ट को, बाकी पार्ट आप देख सकते हो वीडियो का। तो ये पर्सन जो है यू नो उसकी वजह से कनेक्शन ख़राब हुआ है, मुझे सब मैसेज आ रहा है कि 10 वीक्स या अक्टूबर में ये कनेक्शन, ये पर्सन खुद स्टेप लेने वाले हैं आपकी तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, सो दूसरा, आप अगर अभी भी अपने पास को पकड़ के बैठे हो, ठीक है, तो आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कोई फियर्स है, कोई डाउट्स है, कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है कोई, तो उसको रिलीज़ करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, तो ये पर्सन आपकी तरफ जल्दी आएंगे। ये पर्सन आपको एक ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं देर ग्रेटफुल दैट यू आर अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है, और ये जो पर्सन है, दे सी यू एज ए बेटर हाफ, द अदर हाफ, यू नो, लाइक सोलमेट और ट्विन फ्लेम, जो भी आप यू नो आपका जिस स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, अकॉर्डिंग टू देम, इस पर्सन के अनुसार आप परफेक्ट हो, यू आर अ परफेक्ट पैकेज, यू नो, बिल्कुल कोई कमी नहीं है आप में, आपको बिल्कुल परफेक्ट रूप में देखते हैं। अब आप खुद को जज करते हो, मत किया करो वैसे, लेकिन ये पर्सन आपको, उनकी नज़रों में आप बिल्कुल परफेक्ट हो। मुझे ऐसा चैनल मैसेज आ रहा है कि नेचर हो या लुक्स हो, दोनों ही रूप में आपको ये परफेक्ट पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा कार्ड है पैशन, तो बहुत अट्रैक्शन है इस पर्सन के मन में आपके लिए, अट्रैक्शन है, पैशन है, बहुत आपको मिस भी करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।